हेलो तो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज हम एक और व्लॉग के साथ हाजिर हो चुके हैं जो कि होने वाला है बहुत ही मजे का। ऐसा ऐसा डकी भाई करूँ मेरे अंदर आ रही है। आज हम ऐसे करने जा रहे हैं, आज ऐसे सब्सक्राइब कर दो मेरे ब्लॉगिंग चैनल को, सब्सक्राइब कर दो डकी भाई को, जाके करो, मुझे नहीं पता, मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सबसे पहले करो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब ठोक दो। आज हम एक और अच्छी मंडी व्लॉग के साथ हाजिर हो चुके हैं जो कि होने वाली है रिएक्शन वीडियो। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वो वाली वीडियो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी जो कि पब्लिक ने मुझे बहुत ही इस पे सपोर्ट दिखाया। अब करते हैं आज वाला भी ब्लॉग स्टार्ट। तो गल यार जी, आज एक और मंडी ब्लॉग पर रिएक्शन देने यार आपका भाई, जो कि मुसबा नीव का, जिस पर मैंने एक पिछला ब्लॉग बनाया था। अगर आपने वो नहीं जाकर देखा तो देख लो, पब्लिक ने उस पर बहुत ही सपोर्ट दिखाई है। तो मैंने कहा एक और ब्लॉग क्यों ना ले आएँ, बहुत ही मज़े वाला होने वाला है ये। जी मुसबा नीव का एक और जोड़ी ले ली जिसका आज का टाइटल है। सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को और इस ब्लॉग पे जल्दी से रिएक्शन देते हैं। वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। मैं ये सोच रहा था कि यार व्लॉग मैं कब स्टार्ट करूं, क्या करूं। ये बच्चा है यार, इन्होंने बोला कि व्लॉग आप अभी स्टार्ट कर दें और हमसे ही स्टार्ट करें। कैसे भाई आप? उन्होंने कहा गन पॉइंट पे, अभी स्टार्ट करना है कि नहीं, ठोक देंगे, आई मीन जल्दी से स्टार्ट कर लो। फिर मुसवानी भाई ने स्टार्ट कर लिया। कैसे आप? कैसी हैं? ठीक है, चले आप लोगों से स्टार्ट कर दिया। सही है, ओके। आ जाए अंदर, आ जाए अंदर, आ जाए। कहाँ, 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, आप कहाँ रह गए? नहीं जाना मंडी आपको? अदनान भाई आप कितना शॉर्ट है, मार्केट से मंडी नहीं आ रहे हमारे साथ यार, बिजी चल रहे हैं भाई। कहाँ के कौन से काम दे दिए इनको कि यार ये मतलब कभी तो चलो ना यार, अच्छा आप, अच्छा यार इनको मैं कैसे कहूँ, ये जो है ना दुकान के ऊपर भी बिजी होते हैं यार। लेकिन यार इनकी कोई सेटिंग बनाओ यार, किसी दिन कोई रिप्लेसमेंट दो कि ये मंडी चले यार हमारे साथ, है ना। कोई सौदा तो करना चाहिए आपको भी। पॉसिबल चैलेंज है। क्या चैलेंज है? अच्छा गाड़ी के अंदर। अरे याद आया, लास्ट ईयर अदनान ने एक जानकर चढ़ाने की कोशिश की थी। हाँ पैसे भी मिले थे, चढ़ा दिया था इसने गाड़ी में। चले अब जो है ना हम लोग मंडी निकल रहे हैं, फाइनली हमने हिम्मत बना ली। भाईजान आपको कुछ चाहिए, बकरा दुम्बा वगैरह? बिरयानी लेना। बिरयानी मंडी से? मंडी में वो जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? तुम्हारी बिरयानी लेने जा रहे हैं भाई। फरहान भाई को पता नहीं बिरयानी किस गुज की, बिरयानी की लेके आएंगे आज। अरे भाई ये स्टीयरिंग पे हाथ नहीं रखा जा रहा यार, 10 मिनट तक सिर्फ खड़ी। तो नार को सीधी जा ले तो सीधी, अगर हैंडल हिल गया फिर बस। ये मैंने गाड़ी यहाँ पे और ऐसा गर्म हो गया। अरे ये कौन आ गई खातून? अच्छा ये तो शकील भाई है यार, ये शकील भाई यार क्या बहन के आ गए यार। और भाईजान आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। आज शकील भाई क्या लेके आए? मूंगफली लेके आए। वाह भाई वाह यार, इतनी तेज गर्मी है ना कि यार यकीन करें सुस्ती उसी बैठा रहता है। मुझे तो लग रहा है कि गर्मी हर साल इसी तरह बढ़ती गई ना तो आने वाले सालों के अंदर मंडी भी एयर कंडीशन हुआ करेगी। Yes, पूरी एयर कंडीशन हुआ करेगी और मुस्तफा भाई उधर जाया करेंगे और मतलब जानवर देने हैं और क्या करना है। वेलकम टू मंडी भाई, मंडी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू मंडी, मंडी व्लॉग, वेलकम टू मंडी व्लॉग। एक और बार आज कौन चलेगा हमारे साथ इसका फैसला होगा। मंडी पहुंच गए भाई, टोपी पहन ली है, ये चादर बांधते हैं, ये स्लीव्स पहनते हैं और इसके बाद फिर जो है ना बाहर निकलते हैं सौदा करने के लिए। हाउ आर यू ऑल भाई, कैसे हो आप लोग? माशाल्लाह यार, वैसे मसवा भाई के व्लॉग में जानवर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे होते हैं। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला, ये कितने दांत है? ये भी दांत है, तो दो दांत है, इसके क्या मांग रहे हो? बिल्कुल हमारे लिए बताओ। 170 का है? 170 है। मेरे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो 1-10 का ले जाता। वैसे अगर वो देते मेरे हिसाब से 1-10 से लेकर अगर बहुत ही ज़्यादा चॉइस हो रही हो तो तकरीबन 1-30 तक फुल एंड पे जाना है, 1-25 1-30 तक देखूँगा। हाँ आपका भाई भी लेता, ऐसा नहीं है। ये भाई बता रहे हैं दुम के ऊपर जो है ना दवाई लगी हुई है, देख रहे हैं? अच्छा दवाई लगी हुई है, सही हो जाएगी। ये दो दांत है बछड़ा, क्या मांग रहे हो इसके? देने वाली बात बिल्कुल हमारे लिए। 160 160 160। और मसवा भाई ने नीचे गुड प्राइस लिखी हुई है। हाँ वैसे इस माशाल्लाह माशाल्लाह ये वाला बेड़ा हमने तकरीबन, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो देख लो, लेकिन वो तब मतलब पुरानी बात है,
तब हमने सेम इसे कलर का लिया, इसी तरह का लिया था कलर, रेड रेड था, ब्राउन ब्राउन, डार्क ब्राउन, क्या माशाल्लाह था। तो तब हमने तब इसी प्राइस से थोड़ा मतलब 10,000-15,000 कम, तो उसके हिसाब से 2-3 साल बाद ये बेस्ट प्राइस है यार, वैसे ले लेते हैं। यार 160 जिस जानवर किसने मांगे थे ना, इतने जायज मांगे थे कि 1 रुपया कम कराने की जरूरत नहीं है, हम यूं ही ले लेते। लेकिन आज का जो बजट है वो कम है ना, आज का बजट कम है इसीलिए नहीं लिया। और इसके ये कितने दांत है, खीरा है, दो दांत हो गया, ये वाला खीरा, हाँ सही है, दो दांत एकदम बोलू, इससे ऊपर नहीं बढ़ूंगा, अगर आपको समझ में आए तो बिस्मिल्लाह, 1 लाख अब आप बता दो क्या हो जाएंगे, देख लो बच्चा छोटा, अगर है कोई गुंजाइश वाली बात है तो बता दो। ये भी बच्चे दो दांत है, ये भी दो दांत है, एक ये, दूसरी ये, तीसरा ये, इन तीनों की बात करो, तीनों चाहिए। अबे इसको क्या हो गया, ये शफाटर क्यों हो रहा है, हाँ रिलैक्स हो जाओ ना, क्या हो गया, ये मस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं जब पीछे हट रहा हूँ ना, ये देखें फिर आ रहा है मारने के लिए, करीब जा रहा हूँ तो नहीं मार रही। ये तो पता नहीं क्या ही दोस्ती है, जो कि पीछे जाएगा तो मारेगा, ये तो आजकल के जो न्यू जनरेशन के दोस्त है ना वो वाले हैं, उनका ही हिसाब है। देखिए करीब जा रहा हूँ ना, नहीं मार रहा, लेकिन जैसे पीछे भाग रहा हूँ ये देखिए फिर मार रहा है, ये इस तरह के दोस्त पीछे से वार करते हैं, ध्यान से रहना, आप भी मजाक कर रहे हो, पैसे लगा दो, 3-15 या तुम हमें सौदा करने दोगे, तुम अपनी तफरी में लगे रहोगे, 1-5 1-5 के हिसाब से तीनों दे दे, हो जाएगा यार। 1-5 1-5 के हिसाब से 3 तकरीबन ठीक है, और अगर आगे जाना है तो तकरीबन 1-8 1-10 तक चले जाए, उसके बाद अगर नहीं मानता छड्डो पर पाँच जो इतो, अगर वैसे भी अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो दे दें यार, वैसे अच्छे जानवर हैं 1-5 1-5 के, अगर अब व्यापारी नहीं मानता तो हमारा क्या कसूर, देने वाली बात करो ना, फिर बोलो यार थोड़ी बहुत गुंजाइश करो, बिस्किट खाओ चॉकलेट वाला बिस्किट खाओ, हो सकता है तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए, मैंने सुना चॉकलेट खाने से मूड स्विंग हो जाता है, पेट भी स्विंग होता है, उस दिन वाले व्लॉग में आपने देखा है। 1,20,000 में तीनों जानवर दे दो, खत्म करो बात, 3,20,000 3,20,000 बेस्ट है तकरीबन प्राइस, हाँ, और अगर नहीं मानता फिर भी कितने तक जाते हैं देखते हैं जी आगे व्लॉग में, कितने तक अगर लेते हैं, कितने का लेते हैं, कौन सा जानवर लेते हैं, जल्दी से देखते हैं, हो जाएगा यार, दिल बड़ा करो यार, अभी तक तुमने कितने जानवर बेचे ये बताओ, नहीं अभी तक नहीं बेचे, तो आज एक साथ 3 बिक रहे हैं तुम्हारे, हैं वैसे ये अच्छी बात यार, दिखाओ भाई दांत दिखाओ, हाँ दो दांत है, सही है, बिल्कुल सही है, 25,000 का खर्चा है एक जानवर का, यानी हमें सब पता है, हम शेखवान भी गए, सही है, हम रहीमिया खान मुल्तान हर मंडी से होके आए हैं, हमें अंदाजा है, 1-12 के हिसाब से तो बिल्कुल जायज बोल दिया यार, अभी क्या बोलेंगे, और मतलब आप बोलो 1-18 1-18 बिल्कुल आखिरी यार, इतना फर्क, मुसवा भाई कह रहे हैं 1-12 1-12 के तीनों, और वो भाई व्यापारी भाई कह रहे हैं 1-18, मेरे हिसाब से 1-15 पर ये डील बन जानी चाहिए, 1-15 1-15 पर ये तीनों जानवर लो और फटफट हो जाओ, व्यापारी को कहते हैं ले 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 ले, चलो सही है, 1-13 डील ले ले, 13 के हिसाब से दे दो, 1-13 यार, वैसे मुसबा भाई अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं ये तीनों जानवर अच्छी प्राइस में लेने की, चलो देखते हैं जी, 5,000 के लिए छोड़ रहा है, 5,000 के लिए मशवरा कर लो, भाइयों से मशवरा कर लो, दे दो, बिल्कुल सही बोला है यार, दोस्त इसका क्या मांग रहे हो, ये कितने दांत है, दो दांत है, अच्छा ये पका किया, इसके बराबर वाला ये दो दांत है, इसका पता नहीं चला उसने क्या क्या कि ये क्या है, पका है या क्या है, या बिका हुआ है, ये भी हो सकता है, ये दो दांत है इसका, जानिए क्या मांग रहे हो इसका, ये दूसरे नंबर वाले का, हाँ इसका इसका 2,40 अब हम अपनी प्राइस लगाते हैं तकरीबन 1-1 लाख से, हाँ 1-70 1-70 75 ठीक है, 2,40 मांग रहे हैं यार, यहाँ पे इतने खुराड़ जानवर क्यों है यार, हर कोई टक्कर मारने के ऊपर ही लगा हुआ है, अच्छा अंदर जो है ना इन्होंने अच्छे बड़े जानवर बांधे हैं, खूबसूरत जानवर अंदर जितने भी खड़े हैं माशाल्लाह, कलरफुल कलर इनका कमाल है, प्रिंटिंग कलर डार्क ब्राउन और मेहरून भी है इनमें, बाहर जो है ना अल्लाह की कुदरत है, छोटे साइज के जानवर हैं, तो खैर पर जानवर के हिसाब से 3-3 4-4 हज़ार रुपए का फर्क रह गया है, और वहाँ पे जो है ना फड्डा चल रहा है, बहस चल रही है, हो सकता है सौदा बन जाए, हो सकता है सौदा कैंसिल हो जाए, लेकिन मैं जो है ना अभी अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे जानवर देख रहा हूँ, बड़े VIP नस्ल यार, माशाल्लाह ये ब्राउन, ये जो रेड है ना इसका कलर चेक करो, फुल जो हम आइसक्रीम नहीं खाते कॉर्नेटो,
उसमें जो व्हाइट वनीला भी फ्लेवर होता है और चॉकलेट फ्लेवर भी होता है वही कलर है, सेम। चेक तो करो जरा वैरे का कलर, बछड़े का। यार ये तो जो है ना बाहर वाले से भी ज्यादा छुपाटा रहा है। ये देखें, हाथ लगाओ हाथ लगाओ, आ जा आ जा। भाई खिला दिया इनको, खिला दिया। अरे आप कैसे उठोगे, कितनी देर बाद उठेगा? नहीं, इन्होंने बोला एक दो घंटे बाद एक बंदे को छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा, एक को नहीं खिलाना ताकि ये जागा रहे बाकी सारे सो रहे। ये ले भाई, ये है लाख लाख दो लाख और मैं दे रहा हूँ ना, ये लो पकड़ो, ये लो ये लो। सही है, और कितने देने? 26,000। 26,000 चाहिए नहीं, दो 26 कह रहे हैं तो वो कितने कह रहे हैं अब? कितना को 2,26? बहुत अच्छी मुस्तफा भाई ने प्राइस बोली है। और कितने व्यापारी साहब आपको चाहिए बताएं? ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो यार। अरे हो जाएगा यार, हो जाएगा यार, यकीन करो। नहीं है, जानवर के हिसाब से पैसे लगाए यार। अब तुम्हारे साथ इतनी बात हो गई ना, यकीन करो कि बस अब ये लो 26,000 रुपए। 26,000 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है यार। अरे कहाँ 26 और कहाँ 30 यार। अच्छा वो 2,30 कह रहे हैं, वो 2,26 कह रहे हैं। तकरीबन हमने तो साथ साथ प्राइस का हिसाब लगाना होता है ना। आप अपने भाई को क्या समझते हो ना, और किस वजह से आप हम रिएक्शन देते हैं ना? हमें तो अपनी प्राइस का बताना होता है। आप भी कमेंट में साथ साथ सारे ये बच्चे हैं ना, इनकी प्राइस बताओ कि कितनी तक होनी चाहिए थी ये जो मुस्तफा भाई ने लिए हैं। क्योंकि थंबनेल पर इसी की फ़ोटो लगी हुई है, ये जो दो हैं, पता नहीं अब इनमें से कौन कौन सी हैं। एक तो ब्लैक है, एक ब्राउन है, स्काई ब्राउन। तो देखते हैं जी कितने तक का सौदा होता है। अभी तो वो 2,30 और 2,26 के बारे में पचा रही है, तो मेरे तक तकरीबन 2,27 या 2,27 इतनी होनी चाहिए, या 2,28 तक भी चले जाए। यार मैं छोटा, मैंने बड़ा अपने पैसे देने होते हैं, बड़ों के साथ जाना होता है, बड़े होके देखेंगे। 4,000 बहुत वैल्यू होती है जानी, तुम्हारे को मुझे लगता है पैसे का कोई मसला नहीं। देखो राडो पहनी हुई है, राडो लाखों रुपए की सोने की घड़ी पहनी है यार। नहीं जानी, तुम्हारी पर्सनालिटी मुझे लग रहा है ऐसी है, राडो और प्राडो है दोनों साथ साथ। यार ये राडो और प्राडो भाई नहीं मान रहा यार, आज जो है ना बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे यार। इतना मतलब आर्गुमेंट चल रहा है, पैसे की खुशबू यार, इसको भी खुशबू क्या आएगी? प्राडो और राडो में घूमने वाला बंदा है। इनका नाम क्या है? आपका नाम अभी तक मैंने पूछा नहीं। मजर भाई यकीन करो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप बंदे बहुत अच्छे हो, अगर गुंजाइश बनती है दे दो, वरना कोई मसला नहीं। आप बंदे बहुत अच्छे हो, 2-3 मक्खन की बातें करनी है इनके साथ। आप बंदे बहुत अच्छे हो, आपका अंदाज बहुत अच्छा लगा बात करने का। पिछले व्लॉग में यही कहा था, पता नहीं इस व्लॉग में कहा है कि नहीं। मैं आपका सबूत करके दिखाऊंगा किसी भी व्लॉग में अगर उन्होंने कहा। मैंने कहा था ना ज्यादातर व्लॉग में यही कहते हैं। अब देखते हैं आज वाले व्लॉग में कहते हैं कि नहीं। इंशाल्लाह आपका फिर चक्कर लगेगा, कोई मसला नहीं। सही है, आप बंदे VIP हो, सही है ना यार। बंदे का बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा था यार, बंदे का बात करने का तरीका, बंदा बहुत अच्छा है, बंदा बात बहुत अच्छी करता है। ये 2-3 मक्खन लगाने होते हैं मुस्तफा भाई से, मतलब आप चेक कर लो कैसे आपने जानवर लेना। बंदा बहुत अच्छा है, चॉकलेट लेके जानी है ज़रूर आपने जाते वक्त, ताकि वो व्यापारी सही रेट बताए। और सबूत दिखा दिया, मैंने पहले कहा था ना कि मुस्तफा भाई ज़्यादातर व्लॉग में ये ज़रूर कहेंगे बंदे का स्टाइल बोलने का बहुत अच्छा है, बंदा बहुत अच्छा है, बंदा भाई बहुत अच्छा है। अगर सौदा बनता है वो तो नसीब की बात है, बने नहीं बने कोई मसला नहीं। आप अब मजर का भाई अजर भी आ गया मैदान के। मजर का भाई अजर भी अब आ रहा था क्योंकि मक्खन लगा लिए थे, उसने पैसे लेके हाथ में पकड़ा दिए भाई। सुनो 2,26 हमने दिए, ये भाईजान ये मजर के भाई अजर 1,000 रुपए और। नहीं नहीं खत्म, 1,000 और ना 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 नहीं नहीं बस 2,27 खत्म। आप लोगों को नोट गिनने की मशीन दिखाऊं? ये देखिए एक मशीन यहाँ लगी हुई है, एक मशीन यहाँ लगी हुई है। जी मुबारक हो आप सभी लोगों को, बहुत ही अच्छा सौदा हुआ आज भी आपका भाई डके भाई बन गया, बहुत अच्छा सौदा हो गया जी आज का। आज ये हो गया है तो सौदा बहुत अच्छा हो गया, 2,27 में दोनों बछड़े ले लिए हैं, एक बछड़ी है एक बछड़ा है, दोनों आज उन्हें ले लिए हैं। मुबारक हो जी, खैर मुबारक सभी लोग को, मुबारक भी और खैर मुबारक भी। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सौदा हो गया, ये देखें भाई ये बछड़ा है जो कि अभी मस्ती कर रहा है, और ये है हमारी बछड़ी, ठीक है जी। दो दांत हमने चेक कर लिया। चलो भाई गाड़ी के अंदर चढ़ने का टाइम आ गया है, जल्दी चढ़ जाओ। कुछ नहीं कर रही है लेकिन बछड़ा बहुत मस्ती कर रहा है यार, यकीन करें ये जो है ना अभी हाथ में नहीं आ रहा, फुल चपाटर हो गया।
चलो यार, आज हमने मुतवा भाई का सौदा कराना था जो कि हो चुका है, और अब ये हमारा सौदा हो गया है। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, इसको ठोकते हैं यहीं पर, बंद करते हैं। मिलते उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आजकल हम डके भाई कह रहा हूँ, मुसवा भाई के सौदे बहुत ही अच्छे करवा रहे हैं देख कर। तो आज दोस्त है, इसमें एक बछड़ी एक बछड़े का सौदा बना है। मुबारक हो आपको, खैर मुबारक सभी लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह सौदा हो चुका है। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ही अच्छे रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।